इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में एक बार फिर बड़ा दर्द टीम इंडिया को लग गया है, एक या यूं कहें कि झटका लग गया है। आपको बता दें कि भारतीय टीम का छठा विकेट गिर गया है। ऋषभ पंत 88 गेंदों में 91 रन बनाकर डॉम बेस का शिकार हुए हैं। दरअसल डॉम बेस जो कि काफी अच्छा स्पेल डाल रहे हैं, उनकी गेंद पर जैक लीच ने काफी अच्छा कैच पकड़ा। ऋषभ पंत लगातार स्पिनर्स को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, लगातार स्पिनर्स के खिलाफ लंबे लंबे हिट्स मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार क्यों यहां पर ऋषभ पंत ने इस तरीके के शॉट्स खेली। कमेंटेटर्स भी यही बात कह रहे थे कि भाई आप थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ खेलिए, आपका नेचुरल गेम है, ठीक है, आपको पता है आप शतक के करीब हैं, टीम थोड़ा सा मुसीबत में है, आपको इस तरीके के शॉट विद द स्पिन वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद अचानक रफ पर पड़ी और यहाँ पर कैच वो दे बैठे जैक लीच को। भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है और अब टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडराने लगा है पूरे तरीके से। ऋषभ पंत का विकेट एक तरीके का की विकेट यहाँ पर इंग्लैंड को मिल गया। एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इस मैच में, इंग्लैंड को पूरे तरीके से चारों खाने चित किया हुआ था, लेकिन तीसरी बार ये अपने करियर में 90 या उससे ज़्यादा पर आउट हुए हैं। यहाँ पर ऋषभ पंत को भी अपने गेम पर पूरा कंसंट्रेट करना होगा। बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली, 88 गेंदों में 91 रनों की 9 चौके और 5 छक्के उन्होंने जड़े, लेकिन ये पारी इतनी भी अच्छी नहीं थी कि भारतीय टीम के लिए मैच बचा पाती। डॉम बेस का ये चौथा विकेट था इस मैच में, बेस ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.